सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम प्रकृति से कई सारी चीज़ें लेते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कभी ना कभी उसकी तरफ भी हम थोड़ा सा सोचें। तो मैं आपको एक अपनी आदत से अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे अंदर ये टेंडेंसी है। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये कुछ आम की गुठलियाँ रखी हैं। मैं जब भी ट्रैवलिंग में निकलती हूँ, हम हमेशा ही कार से निकलते हैं, तो उस दौरान इन गुठलियों को मैं जंगल में फेंकते हुए जाती हूँ और जब बारिश का मौसम आता है तो ये गुठलियाँ खुद ब खुद इस तरीके से खुल जाती हैं और उनमें से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ये कहना चाहिए हमें जन्मजात ये गुण मिला है। मैं और मेरी बहन, हम दोनों इस चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं कि जब भी कभी हम प्रकृति से कुछ लें तो उसको लौटाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि जब हम कभी इस दिशा में सोचते हैं तो हम एक बहुत ही छोटा सा योगदान प्रकृति की तरफ देते हैं, कि जिसमें जब ये बीज एक पौधा बनता है और पौधे से जब वो पेड़ बनता है तो वो हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाता है। वाटर कंजर्वेशन से लेकर बहुत सारे पशु पक्षियों का वो घर भी होता है। तो मैं कई सारे इस तरीके के कार्य करती हूँ। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी कुछ आदतों को आपके साथ में शेयर करूँ, पर न जाने क्यों आज मेरी इच्छा हुई तो मैंने बताया आप लोगों को कि हम सभी गर्मियों में आम खाते हैं और बारिश के मौसम में जामुन खाते हैं, ठंड में बेर खाते हैं। तो आप इस तरीके की जो फलों के कुछ बीजों को बचा लीजिए और जब भी कभी आप सैर सपाटे पर निकलते हैं तो सीड बॉम्ब बनाइए और उनको जगह जगह पर फेंकते जाइए, तो वो हमारा एक छोटा सा प्रयास अपनी तरफ से होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे आने से पहले ये देखिए मेंडेविले के खूबसूरत प्लांट, और ये जो है ये निरंतर हमारे यहाँ बहुत सारे फूल दे रहा है। ये स्वीट पोटैटो वाइन, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, इसमें कीड़े लग गए शायद, हाँ इल्ली लग रही है, अभी मैं देखूंगी। इसमें रूट निकल रही शायद ये खुद ब खुद, ये देखिए आपको यहाँ जड़ें दिख रही होंगी वाइट वाइट कलर की, इसमें रूट फॉर्मेशन होने लगी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए गार्डन की छटा। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए ये हमारे गार्डन का एक हिबिस्कस है और इसमें आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन की कमी हो गई है इसकी लीव्स में, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और मैं आपको अपने एक बहुत अच्छी चीज़ पौधे से मिलवाना चाहती हूँ। ये आप देख रहे हैं ये हिबिस्कस, लास्ट ईयर ये बिल्कुल मरणासन हो गया था और मैंने इसे बचाया, तो मुझे बहुत खुशी होती जब जब मैं इसमें फूल देखती हूँ। अभी देखिए इसमें दो निकले और ये कलियाँ आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत रेन लिली के बारे में, और ये देखिए कितनी खूबसूरत है ये लिली और कई रंगों में आती है। ये आज के समय में इसके बहुत सारे रंग अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे घर के सामने इसी का एक येलो कलर भी अवेलेबल है, वो हमारे घर में सामने जो हमारे नेबर रहते हैं उनके यहाँ। और ये जो लिली है ये आप देख रहे हैं बिना किसी केयर के और खूबसूरत अनगिनत फूलों और कलियों से लदी, और इसे जब आप टब में लगाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी होती है। आप एक वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में इसे लगाइए जिसमें पानी का जो निष्कासन है वो आसानी से हो जाए, पानी ठहरे ना। और इसे आप बल्ब से भी लगा सकते हैं। और ये जो देखिए, ये देखिए इसके सीड पॉट्स हैं, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इसमें से सीड्स निकल आएंगे और ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब टब में हम लगाते हैं इनको, गुच्छों में ये बहुत सुंदर लगते हैं। और जब मैं लेकर आई थी तब इसमें दो ही फ्लावर्स थे और अभी आप देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं और एक छोटे से पॉट में लगी हुई है ये लिली। मैंने इसे अपने पैसेज में रखा हुआ जहाँ पर इसको पानी जो है बहुत मिलता है, बहुत पानी पीती है ये, और पानी में ही ये बहुत अच्छी होती है। जब ये पूरी बारिश में खिलती रहती है
और जैसे ही इनका मौसम जाता है उस समय इनके बल्ब जो हैं वो आप स्टोर करके रख लीजिए, चाहे तो ऐसे ही लगे छोड़ दीजिए, चाहे तो आप निकाल के रख लीजिए। और जो है इनको एक एक बल्ब से आप कई प्लांट्स जो हैं, ये एक ही बल्ब से फैले हुए ये प्लांट्स हैं, कई प्लांट्स आप बना सकते हैं। इनको कोई विशेष फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, पर यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें फूल ज़्यादा चाहिए या इसकी खूबसूरती ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन रहना चाहिए, प्लांट हेल्दी रहना चाहिए, तो ऐसे में आप हल्की सी नीम की खली इसकी जड़ों में डाल दीजिए, जो आहिस्ता आहिस्ता घुलती जाएगी और इसमें कीड़े भी नहीं लगने देगी और इसमें फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।